शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बड़के ठोकरे साले बाबू के लिए जो पैसे रखे थे वो सब चोरी हो गए। बड़के ठोकरे ना का करे? हाँ चोरी हुई। साले बाबू का इलाज कैसे होगा? 80 लाख रुपए? अब इलाज कैसे होगा? वो तो शिवांश को आज ही ऑपरेशन के लिए ले जाना था, अब क्या करेंगे? सिंगापुर लेके जाने वाले थे ना। श्रावणी जा रही हैं? पेशेंट को कितने बजे डिस्चार्ज करवाना है? पता नहीं, बस इतना पता है कि हम अपने पति को कुछ नहीं होने देंगे। इतने सारे पैसे चोरी हो गए, इन लोगों को तो सिंगापुर जाना था। आ रही है हमारे साथ। पगला कहीं होगा, वहां पे लूटपाट मची हुई है और तुमको यहाँ पे फुसफुसाना है? थाने फोन करने दो हमको। क्या होगा? थाने फोन करके क्या करेंगी? हमको सब पता है मम्मी, ये कांड आप ही ने किया है। है? ज्यादा बनो मत हमारे सामने। शिवांश की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। सच सच बताओ, कहाँ है पैसे? तुम पगला गई होगा, हम काहे पैसे चुराएंगे? तो और कौन चुराएगा? हाँ, आप ही हो यहाँ पे सबसे बड़ी खिलाड़ी। उस दिन रोहन ने आपको ताना मारा था ना, उसी के लिए आप ये सब नाटक कर रही हो, ये सब ड्रामा कर रही हो, है ना? शिवांश और श्रवणी और रोहन को नीचा दिखाने के लिए, को करारा जवाब देने के लिए। देखो मम्मी, श्रवणी से लड़ाई हमारी भी है, पर शिवांश से तो प्यार करते ना, सच्ची में प्यार करते हैं मम्मी। हाँ माना कि श्रवणी जैसी नहीं करते हैं प्यार, इसीलिए तो पैसे दे रहे थे शिवांश के ऑपरेशन के लिए। देखिए सरद जी, अपने घर में चोरी हो गई। साले बाबू के लिए जो पैसे निकाल के रखे थे वो लोग चुरा के ले गया। श्रवणी बेटा, श्रवणी
शर्मी बंदूक का क्या करोगे? छोड़, इसे छोड़ दीजिए माँ, हम भी ठाकुरों की बेटी है। आज तक सर झुका के हाथ जोड़ के विनती की है, लेकिन बात जब अपनों पे आ जाए ना तो बंदूक उठा भी सकते हैं और गोली चला भी सकते हैं। श्रावणी, मम्मी सीधी तरीके से बताइए पैसे कहाँ है? तुम ना पगला गई हो, हम तुमको कैसे समझाएं हमने नहीं चुराए हैं पैसे? ये देखो, देखो, ड्रामा मत करो, बता दो कहाँ है पैसे? चुड़ी, हमारा दिमाग मत खराब करो, हमने कोई पैसे पैसे नहीं चुराए। अरे सरहद जी, क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो श्रवणी? पैसे कहाँ है? पैसे? आपने कोई पैसे नहीं लिए? हमने पूछा, पैसे कहाँ है? दीदी, नहीं, श्रवणी क्या कर रही हो तुम? मर गई श्रवणी। पर अगर आज पैसे नहीं दिए ना तो आप भी नहीं बचेंगी। सुना ना, पैसे कहाँ है? हमने नहीं लिए पैसे। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? हमने नहीं लिए पैसे, हटाओ इसको यहाँ से। श्रवणी, ये एक गलती से गोली चल गई ना तो हमारे पेशे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और फिर तुम बिना कार्रवाई किए ये सब नहीं कर सकती। तुम पता तो करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हमने पैसे नहीं लिए। तुमको क्या हुआ है श्रवणी? खून सवार हुआ है, खून सवार हुआ है हमारे सर पर। आज तक आपकी सारी जाति सही है, हमने हर बात मानी है, हर हालात में रहे, ठीक है ना? अब बात हमारे शिवांश की है और हमें उसे सिंगापुर लेकर जाना है। सारे पैसे गायब है। कहाँ है पैसे? हमने नहीं लिए पैसे, हम सो रहे थे जब ये सब हुआ, हमें नहीं पता कहाँ है पैसे, हमें सच में नहीं पता। आखिरी बार पूछ रहे, पता ये पैसे कहाँ है? वरना हमको बहुत डर लगता है। हमने नहीं लिए पैसे, सिर्फ नहीं, हमने नहीं लिए। चींटी की कसम, चींटी की कसम, चींटी की कसम, हमने पैसे नहीं लिए सिर्फ नहीं। हमारा पति भी नहीं, ना बेटा, एक बेटी है। हम झूठी की कसम कभी झूठी नहीं खाएंगे। हमें आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है, किसी भी बात पर नहीं। बताइए पैसे कहाँ है? सच सच बताइए पैसे कहाँ है, वरना अबकी बार गोली यहाँ चलेगी। हम सिर्फ 3 तक गिनेंगे। एक, एक, दो, दो, हमने
के पैसे नहीं लिए श्रवणी। जमीनें छोड़ेंगे नहीं। जमीन नहीं। तुम इन्हें बचा रहे हो? इन्हें बचा रहे हो तुम? जमीन। हाँ। और तुम्हें भी एक गलती करने से रोक रहे हैं। पैसे इन्होंने नहीं चुराए। अरे, अरे इन्होंने नहीं चुराए तो फिर किसने चुराए? याद है वो सिंगापुरियन जिससे हमने बात की थी? हाँ। जब हमने पता करवाया तो सिंगापुर में उस नाम का कोई इंसान है ही नहीं। वो बस एक फ्रॉड था। आजकल इंटरनेट पर यही सब चल रहा है। लोग विदेशी नंबर से फोन कर ऐसे फ्रॉड्स करते हैं। फ्रॉड? वो पोर्टल जो हमारे दोस्त ने हमें बताया था वो दरअसल एक फेक साइट है। आजकल ये लोग इंटरनेट पर किसी को कोई भी ऑर्गन चाहिए, दिल, गुर्दा, किडनी, तो उसकी फेक रिपोर्ट्स अपलोड कर देते हैं और विदेश के नंबर से फोन करते हैं, सबको ऑपरेशन के लिए बाहर बुलाते हैं क्योंकि बाहर ऑपरेशन महंगे होते हैं। ऐसे में घर वाले अपनों को बचाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, अपना घर, मकान, जायदाद सब कुछ गिरवी रख देते हैं और इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। एक टीम इनकी हमेशा फैमिली पर नजर रखती है कि जैसे ही मौका लगे तो वो ये सब कर सके। पर श्रवणी चिंता मत करो, सिंगापुर की जो टीम थी वो पकड़ी जा चुकी है। पर इस घर में जिसने चोरी की अभी तक पुलिस को उसका पता नहीं चला है। अब कैसे होगा सिंपल का ऑपरेशन? ये सब आजकल का गोरख धंधा है श्रवणी, और हम इसके शिकार हो गए। तो इसका मतलब वो बेरुपिया था? हाँ, ना ही उसे कैंसर था और ना ही वो शिवांश को किडनी देने वाला था। देखा, हमने सच ही बोला था लेकिन किसी को हम पर यकीन ही नहीं था। अब शिवांश का ऑपरेशन कैसे होगा? चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, बस थोड़ा सा वक्त दे दो। वक्त ही तो नहीं है रोहन। डायलिसिस भी कोई काम का नहीं है। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अगर एक हफ्ते में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई शिवांश की तो हम क्या करेंगे? शबनी संभालो अपने आप को। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, शिवू घर वापस आएगा। हिम्मत रखो। हम रामायण का अखंड पाठ करेंगे और तभी उठेंगे
जब श्रवणी शिवांश को सही सलामत घर वापस ले आएंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुंसो दशरथ अजर बिहारी। अर्थात मंगल के धाम अमंगल को हारने वाले, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले, मुझ पर कृपा करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाएं। एक ही नारा एक ही नाम, बनेंगे बिगड़े सारे काम, बनेंगे बिगड़े सारे काम। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम। आइए ना, आप सब जलपान कीजिए, आइए आप सब अंदर आइए। नहीं बिटिया, हम सब अयोध्या जा रहे हैं, जहाँ एक बार फिर से राम राज की स्थापना हो रही है। तुम्हारे परिवार से कोई हमारे साथ चलेगा इस स्वर्णिम यात्रा में? बाबा, हम खुद चलते, वो भी सब परिवार। लेकिन इस समय इस घर पर बड़ी विपदाई है बाबा। इस घर का इकलौता बेटा अस्पताल में है, इसलिए हम लोग मिलकर घर पर ही रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। शोक ना करो बिटिया, ये कलयुग है और कलयुग को वरदान प्राप्त है। इस युग में जो राम नाम जपता है उसके सारे दुखों का स्वतः ही नाश हो जाता है। एक काम करो बिटिया, तुम अपनी मनोकामना लिखकर हमें दे दो, हम प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण कर देंगे। बोलिए सियापति राम चंद्र के, पवन सुत हनुमान के। बाबा, इतनी सारी चिट्ठियां। बिटिया, तुम्हारी तरह जो स्वयं नहीं जा सकते हैं वो अपनी गुहार भेज रहे हैं, तुम भी भेज दो।
श्री राम के बिना सीता मैया अधूरी है और शिवांश के बिना हम अयोध्या के राजा सदियों बाद अब अपनी नगरी लौट रहे हैं। हमारी भी एक विनती सुन लीजिए, इस घर के बेटे को इस घर में सही सलामत लौटा दीजिए। संकट आ पड़ा है, इसे सिर्फ आप टाल सकते हैं। हमारी शिवांश की जिंदगी अब बस आप ही बचा सकते हैं। बिटिया, अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। भगवान श्री राम तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करेंगे, आपके घर में सुख शांति खुशहाली आएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम। बनेंगे बिगड़े सारे काम, जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम। बनेंगे बिगड़े सारे काम। हेलो, शिवांश के लिए कितनी डोनर मिल गया है? शिवांश को किडनी कौन दे रहा है? तुम जानकर क्या करोगे कि तुमसे निकलवा कर रहेंगे कि कौन किडनी दे रहा है? आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।